हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मोहिनी जब आए दोनों सभा के बीच में, देवताओं की सभा और असुरों की सभा में, कि अमृत पहले कौन पान करेंगे। तो मोहिनी आके बोले, देखो मैं तो आप लोगों को अमृत पिलाने के लिए आया हूँ, तो आप लोग क्या मेरे हाथों से पीना चाहेंगे। तो असुर लोग बोले कि आपके हाथों में अमृत पीना है तो रियल अमृत पीना होगा, क्योंकि अमृत एक ऐसे व्यक्ति वितरित करे जो अमृत से भी बढ़कर है। तो असुर लोग बोलने लगे कि आप तो साक्षात अमृत के मूर्तिमान स्वरूप है, ये तो पानी है, फिर भी जब कष्ट करके निकाले, थोड़ा पसीना निकल गया शरीर में तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, इसीलिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो मोहिनी बोले, देखो भाई मैं हूं नारी, मैं तो छल कपट भी कर सकती हूँ, आप लोग किस विश्वास के आधार पर मुझे अमृत का कलश दे रहे हैं। मैं तो छल कपट करके आप लोग को ठग भी सकती हूँ। तो बोले कि देवी, असुर लोग बोले, देवी जिसकी वाणी इतनी मधुर है, जिसका चेहरा इतना कोमल है, वो कभी ठग सकते ही नहीं। तो अभी एक असुर के कान में जाके, जो असुर का जो लीडर है, असुर के लीडर में जाके कान फुसफुसी किया मोहिनी। क्या कान फुसफुसी किए? उससे पहले बोले, देखो तो अगर मेरे हाथों से आप लोग अमृत पान करना चाहे तो मैं जैसा डिस्ट्रीब्यूट करूं उस अनुसार चलना है। बोले कि यस वी आर रेडी, हम लोग तैयार है, अब जैसा चाहे वैसा कर सकते। बोले कि पहले मैं देवताओं को पिलाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को। बोले कि क्यों 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 देवताओं को पिलाएंगे अमृत? हम तो चाहते हैं कि देवताओं को एक बूंद भी ना मिले। तब मोहिनी बोले, देखो भाई वो लोग भी कष्ट किए हैं, वो लोग भी समान अधिकारी हैं। तो बोले कि हाँ अच्छा ठीक है, तो पहले देवताओं को, पहले हम लोग को पिलाइए, उसके बाद उन लोग को पिलाना है। तो मोहिनी एक असुर के लीडर के कान में जाके फुसफुसी किया, बोली कि देखो अगर मैं आप लोगों को पहले अमृत पिलाऊ ना, तो नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा माल है ना, वो चीज उन लोगों को मिलेगा, आप लोग सिर्फ ऊपर का पानी पानी पी। ठीक है उमा शंकर प्रभु, ऊपर का पानी पानी अगर आप लोगों को पहले पिला दे तो अंदर का माल वो लोग पियेंगे। हाँ हाँ ये बुद्धि अच्छा है, एक काम की जब पहले असुर को भी पिला, मतलब देवताओं को भी पिलाएंगे। तो वो सभी ऐसे बोले कि क्या है, बाकी सब असुर बोले क्या, किस तरह का लीडर है, देवताओं को अलाउ किया पहले पिलाने के लिए। बोले चुप रहो, मैं जानता हूं सेक्रेट क्या है। तो मोहिनी अभी स्टार्ट किए, उनका तो प्लान अलग है। एक्चुअली भगवान का प्लान या भगवान के भक्तों का प्लान बहुत हाई डिफिकल्ट होता है। जब पहले समुद्र मंथन चालू होने वाला है, उस समय अभी रस्सी कहां से मंगवाए लाइलैंड का। तो बोले कि इतना मोटा रस्सी तो अभी हमारे टाटा स्टील कंपनी में बनता नहीं, जिंदल स्टील कंपनी में भी मिलता नहीं, तो अभी क्या किया जाए, सांप को ले बासुकी को लाया जाए। वासुकी को समुद्र मतलब मंदराचल पर्वत को ऐसे घसीटा जाए ताकि मंथन पूर्ण ना हो। तो बोले कि ठीक है, तो अभी सांप का मुख और सांप का पूंछ दो है, एक पूंछ की तरफ एक ग्रुप पकड़ेगा और दूसरे ग्रुप में मस्तक के होगा, दो ग्रुप। अभी असुर बोले कि हम लोग नहीं, देवता बोले कि ठीक है हम लोग आगे पकड़ते हैं सांप के मुंह की तरफ।
तो असुर लोग बोले कि हम लोगों को क्या कम समझ के रखे है क्या, हम लोग पीछे तरफ जाएंगे, हम लोग फास्ट रहेंगे। तो नारद मुनि ब्रह्मा ब्रह्मा बोले या नारद भगवान, हाँ तो भगवान नारायण बोले अरे चाहे पीछे पकड़ो और नीचे पकड़ो, मतलब पीछे पकड़ो या आगे पकड़ो, वो तो ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये इधर एक बार जाएंगे इधर एक बार आएंगे, इधर एक बार जाएंगे इधर एक बार आएंगे, तो दोनों कोई आगे कोई पीछे नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर ऐसे गाड़ी अगर इस तरह चलता रहे तो कोई आगे कोई पीछे है, लेकिन गाड़ी इधर जाएगा फिर आएगा, गाड़ी इधर जाएगा फिर आएगा, तो उसको आगे पीछे क्या बोले, बोले मैं कुछ बात नहीं सुनना चाहता, हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। असुर लोग बोले वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, हम लोग एकदम आगे पकड़ेंगे। तो देवताओं को इशारा किया भगवान, बोले कि डोंट वरी, जब मंथन होगा ना उसमें सांप थक जाएंगे, और वो पसीना पसीना अर्थात वो जब थक जाएंगे तो उसके मुंह से जहर उगलेगा, तो जो फेन फेन धुआं वो सब देवताओं को मिलेगा नहीं असुरों को मिलेगा, इसीलिए असुरों को पहले उधर ही पकड़ने दीजिए। अभी हो गया, अभी असुर लोग क्या किया, असुर लोगों का बुद्धि ऐसा होता है, मोटा बुद्धि होता है, तो असुर लोग क्या किया, वासुकी के आगे मतलब जहां पे बीसने के जो निकलेगा तो उधर पकड़े हुए हैं, तो सभी असुर लोग पूरा कोयला, धनबाद का कोयला, डायमंड सिटी पूरा एकदम कोयला कोयला काला काला हो गए, ठीक है, और देवतागण एकदम अमेरिकन लोगों की तरह पूरा स्वच्छ रहे, कोई कोयला का धुआं नहीं खाना पड़ा, ठीक है। तो यही होता है एक भक्त और अभक्त में अंतर, जो भक्त होते हैं ना वो भगवान के प्लान से चलते हैं, जो अभक्त होते हैं जो असुर होते हैं वो अपना बुद्धि लगाते हैं बाद में फंस जाते हैं। दुर्योधन ने अपना बुद्धि लगाया बाद में फंसा, माथा के ऊपर जाके बैठे हुए थे कृष्ण का, और अर्जुन चरण की ओर बैठे थे, यद्यपि दुर्योधन पहले ही आ चुके हैं, मंगल आरती 4:30 बजे वो 3 बजे आके खड़ा है, लेकिन 3 बजे आके खड़ा होने से क्या, जप करना है वहां पर, वहां पर बैठ के रहने से होगा, हरि नाम जप करना है मंदिर में तब होगा आपका मंगल आरती जाने का सुफल, सिर्फ मंगल आरती जाने से। उसी प्रकार दुर्योधन गया था, भगवान सोरे मस्तक के ऊपर बैठे हुए है मस्तक के साइड में, तो भगवान उठे 6 बजे 4 बजे उठे, और उठ के देखा पहले अर्जुन को देखा क्योंकि चरणों के साइड में बैठा हुआ था, बोल के हे अर्जुन कब आए, तो दुर्योधन बोले कि अरे मैं पहले आया, बोले कि आप पहले आए लेकिन मैं तो अर्जुन को पहले देखा, तो बोले कि जो भी हो आप लोग किस उद्देश्य के लिए आए बताओ, तो अर्जुन बोले कि कृष्णा आपको तो पता है हम लोग ओनली 5 भाई हैं और युद्ध एक महान युद्ध होने वाला है, तो इस स्थिति में हम आपसे कुछ हेल्प मांगने आए हैं। तो दुर्योधन बोले कि कृष्णा ऐसा नहीं कि वही आपका बुआ का पुत्र है, हम मैं आपका कुछ नहीं लगता, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, सबसे बड़ी बात नियम ये कहता कि मैं सबसे पहले आया तो मैं पहले बर्क मांगू, तो बोले कि ठीक है पहले मांगे या बीच में या बाद में वो अलग मैटर है, लेकिन मेरे पास 2 शर्त है, 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक चूज करना है जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं, एक तो मेरा नारायणी सेना, तो दूसरा है मैं स्वयं वो भी युद्ध नहीं करूंगा। तो बोले कि ठीक है तो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसे बातचीत हुआ, तो दुर्योधन बोले कि ठीक है मैं पहले मांगता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण बोले देखो अर्जुन तुमसे छोटा है और एक बड़ा भाई होने के नाते छोटा भाई जो छोटा भाई का अधिकार है कुछ मांगने का, तो अर्जुन बोले कि कृष्णा हमें तो नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप ही चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, तो जैसे ये बोला तो दुर्योधन ऐसे हा करके मतलब हा करके मुकर वो कैसा किया, और जैसे ही कृष्ण उसकी तरफ देखा तो
क्योंकि मतलब जो हा कर रहे आश्चर्य कर रहे थे, आश्चर्य मतलब बहुत अच्छा हुआ, ऐसे करके ऐसे कर रहे थे दुर्योधन, ठीक है। जैसे जैसे कृष्ण उधर उनकी तरफ मुंह किया तो ऐसे ठीक है, जब छोटा भाई मांगी लिए तो मैं और इस बीच में क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, जो बाकी जो बचा हुआ माल है वही मुझे प्रदान करे, नारायणी सेना मुझे प्रदान करे। तो मोटा बुद्धि दुर्योधन, नारायणी सेना लिया, कौन मरे, अर्जुन या दुर्योधन? दुर्योधन मरे। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं संसार में जितने बड़े बड़े राक्षस महाराक्षस सब मरे, क्यों? अपनी बुद्धि के द्वारा। हिरण्यकशिपु बोले थे, हिरण्य भगवान नृसिंहदेव जब प्रकट हुआ तब हिरण्यकशिपु को बोले भगवान कि ब्रह्मा ने आपको वरदान क्या दिया कि तुम दिन में ना मरो रात में ना मरो, ना तुमको कोई दिन में मार सकता ना कोई रात में मार सकता है, ना पृथ्वी में ना पृथ्वी के बाहर, इसको आप अपनी अमरता समझ लिए रे मूर्ख। हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंहदेव बोले इसको आप अपनी अमरता समझ लिए कि जब ब्रह्मा तक इस संसार में मतलब मर्त लोक के वासी अर्थात उनको मरना पड़ेगा तो तुमको कैसे अमरता का वरदान दे सकते हैं। इस प्रकार भगवान नृसिंहदेव उनको समझाए, वो समझ भी गए, हाँ हाँ ये तो एकदम फिलोसफी बात है, मैं तो ऐसे ही। उसी प्रकार जो व्यक्ति जो अहंकारी होता है ना, तो वो जिसके पास धन दौलत बहुत कुछ रहता है उस समय वो समझता है कि ऐसा ही चलेगा। हमारे गांव में एक कहावत है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही नहीं चलेगा। हम लोग सोचते हैं कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा सुअवसर आते हैं जिस समय धन दौलत गाड़ी बाड़ी नौकर चाकर सब कुछ हरा भरा रहता है, लेकिन बाद में सब शून्य हो जाता है। रावण के पास क्या नहीं था, रावण के पास क्या नहीं था, कंस के पास क्या नहीं था, जरासंध के पास क्या नहीं था, हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं था, सब भिखारी बन गए। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे। भक्त के अलावा इस संसार में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जीवित मतलब कृष्ण के साथ उनका नाम नहीं रहेगा। एकमात्र जो भक्त होते हैं, आज एक रावण का डायलॉग सुन रहे थे हम, मंजदौरी को बोल रहे थे रावण कि मंजदौरी मुझे नहीं पता कि वो राम नर है या नारायण है, लेकिन जब तुम बोल रहे कि वो नारायण है तो उनके हाथों मेरा मृत्यु होना भी मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति हूं जिसको मारने के लिए संसार में कोई मार नहीं सका, बल्कि मुझे मारने के लिए वैकुंठ से कोई आया। तो जब जब राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम के साथ साथ मेरा भी चिंतन करेंगे लोग, मैं भी अमर हूं। राम के साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा, राम रावण। तो मोटा बुद्धि और पतला बुद्धि में यही अंतर है। मोटा बुद्धि मतलब हाथी जैसा और पतला बुद्धि मतलब बंदर जैसा। जब हरि नाम करते थे विभीषण अपने कुटिया में, तो एक दिन रावण मिलने के लिए गए थे अपने छोटे भाई के पास, तो पूरे दीवार में पूरा एकदम भरा हुआ है राम 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 लिखा हुआ, इवन बाथरूम के ऊपर में भी लिखा है राम, तुलसी मंच में, पूरे अयोध्या में एक ही घर में तुलसी था और वो था विभीषण के घर में, अयोध्या नहीं पूरे लंका में, पूरे लंका में एक ही घर में तुलसी था और वो था विभीषण के घर में। तो विभीषण के पास जब आए रावण और पूरा तलवार लिए, बोले कि तुम मेरा शत्रु राम का नाम लिख के रखे हो गधा, तुमको आज मारेंगे हम, अब भी तुमको खलास कर देंगे, नो एनी ऑप्शनल,
आपको राजमहल में या राजसभा में जाकर विचार करना, ये सब कुछ नहीं करेंगे, तुमको सिर्फ मारेंगे, डायरेक्ट अभी मौत दे देंगे। तब विभीषण का बंदर बुद्धि, भक्त का बंदर बुद्धि होता है और असुर का हाथी बुद्धि होता है। तो बोले कि भैया आप मुझे भले ही मार दे, लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि ये राम नाम का अर्थ क्या है, और वास्तविक रूप से जिस दिन आपको पता चलेगा, तो क्या आप अपने आप को क्षमा कर पाएंगे? इसीलिए मुझे मारने से पहले इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। तो रावण बोले कि तुम मुझे शब्द या बात चातुरी से मुझे मत बहलाओ, तुम्हारा मरना निश्चित है। बोले कि कोई बात नहीं, आप मुझे काट दीजिए गला, मैं तैयार हूं, आप तलवार निकालिए, मैं झुक गया, मैं झुक के ही वो चीज बोलूंगा, आप उसको सुनिए, उसके बाद मुझे मारिए। बोले कि ठीक है, बोलिए। बोले कि राम नाम का अर्थ होता रा का अर्थ होता रावण, म का अर्थ होता मंदोदरी। रा का होता है रावण, म का अर्थ है मंदोदरी। रावण तुरंत उनको जो झुका हुआ था उनको उठाया और आलिंगन किया। बोले कि तुम मेरे कितने प्यारे हो, चलो चलो चलो, तुमको इस कुटिया में नहीं, तुमको राजमहल में रखेंगे। बोले कि नहीं भाई कोई बात नहीं। बोले कि आज मेरे हाथों में बहुत बड़ा गलत हो जाता है विभीषण, आज से मैं तुम्हारा बात मानूंगा, तुम मेरे कितने प्रिय हो। ठीक। तो असुर लोग जब उनको प्रशंसा करेंगे ना, वो पूरा फूले नहीं समाता, बहुत आनंदित होता है असुर को अगर प्रशंसा करेंगे। शकुनी दुर्योधन को तो प्रशंसा करते करते ही तो इतना बड़ा किया, यद्यपि दुर्योधन के पास कुछ भी क्वालिटी नहीं था। अरे तू भीम से क्यों डरते है भांजे, वो तो गधा है, तुम तो चतुर लोमड़ी हो। तो जैसे ऐसे बोलते है तो और फूल जाता, हम लोमड़ी तो बहुत चालाक होते हैं। मरवा दिया दुर्योधन को है, शकुनी मरवा दिया दुर्योधन को। हाँ, शकुनी का ही तो किया दिया है सारा खेल। शकुनी के कारण पूरा दुर्योधन मर गए। तो असुर लोग जो होते हैं ना, वो प्रशंसा के भिखारी होते हैं। मोहिनी भी प्रशंसा करने लगे असुरों को, आप लोग कितने विद्वान हैं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स चाइल्ड, आप कोई साधारण व्यक्ति के पुत्र नहीं है। कश्यप जो वेद वेदांत में जिसका नाम आता है, उनके पुत्र है आप लोग, इसीलिए तो मैं अमृत पिलाने के लिए आई हूं, अन्यथा क्या जरूरत था आने का। ऐसे कर रहे सब, क्या प्रशंसा है रे बाप। तो ऐसे होते हैं, तो अंत में फंसी जाता है गधा, तो गधा ही निकलता, वो थोड़ी लोमड़ी बनता। इसीलिए कृष्ण भक्त चतुर नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं, कृष्ण भक्त चतुर होता है, बहुत चतुर, बहुत चालाक, लेकिन लक्ष्मी देवी चालाक नहीं हुई, ये लाइन लग के प्रसाद पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वैसा ही तो हम भी हैं प्रभु जी। क्या जरूरत है चार घंटा लाइन देने का, प्रसाद पाके भागो, आके प्रभुपाद का बुक पढ़ो, इससे हम दूसरों की नजर में गिर जाएंगे। कोई दूसरों की नजर में, ये तो तुम्हारे खुद का सम्मान का है, तुम मायापुर वासी हो, यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, यू लिव इन मायापुर, मायापुर टीवी में सारी दुनिया के लोग तुमको देखते हैं, तुम एक सम्मानीय व्यक्ति हो, क्यों लाइन देना? मैं लाइन नहीं देता प्रभु जी, उससे मैं खाऊंगा ही नहीं, घर में आके खाना है, लाइन क्यों दूंगा, गिर जाता हूं मैं अपने आप जब लाइन दे के खाते हूं। मैं शॉर्टकट वाला व्यक्ति। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो भी नहीं है प्रभु जी, मेरे भी, मेरा भी दिमाग नहीं है, मैं तो भी एकदम, अब क्या कहें अपने को, बहुत हम भी, हमको भी उतना बुद्धि नहीं है। चलिए, तो कुछ प्रश्न है क्या हमारे पास, 3 मिनट समय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बोल रहे थे
कि ये अमीर अहंकार की बात आपने बता रहे हैं। प्रभु जी, ऐसा बात नहीं है कि जिनके पास संपत्ति और बुद्धि और अमीर जो है उन्हीं के पास अहंकारी और अहंकार है। जिसके पास नहीं है उसको भी, उस आदमी को भी अहंकार है प्रभु जी, उस आदमी को भी अहंकार है। तो फिर इस तरह से क्यों हो जाता है प्रभु जी? अहंकार आदमी सोचता है नहीं कि अहंकार एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा अहंकारी हो जाता है? होता है अज्ञानता के कारण, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, चाहे वो गरीब हो या धनी हो, जब वो अज्ञानी बनता, अज्ञानता ही अहंकार का पहला लक्षण। क्योंकि जब कोई व्यक्ति धनी होता तो उसको ज्ञान चाहिए नहीं, कि ज्ञान मतलब खुद बड़ा है तो दूसरों से ज्ञान क्यों ले? जब खुद बड़ा है तो दूसरों से क्यों ज्ञान ले? इसीलिए वो किसी से ज्ञान लेता नहीं। और गरीब मतलब जो जो अज्ञानी है वो तो अहंकारी होंगे, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं। गरीब के पास ज्ञान तो नहीं इसके कारण अहंकार आता है, धनी के पास वो ज्ञान लेना चाहते नहीं इसके कारण अहंकार आता है। तो प्रभु जी, जो ज्ञान उसके पास, जो गरीब के पास जो ज्ञान नहीं है, तो कोई ज्ञान भी दे रहा है वो ज्ञान तो भी स्वीकार नहीं कर रहा है, वे स्वीकार नहीं कर रहा है कि हाँ चलो कोई हमको बता रहा है तो उसके हिसाब से चल रहे। ऐसा तो भी होता है प्रभु जी। हाँ, चलना चाहिए ना उनके हिसाब से। अगर कोई हम अपने साथ ज्ञान दे रहे हैं तो ये परम कर्तव्य है उनसे ज्ञान को ग्रहण करना। लेकिन अगर कोई ज्ञान ग्रहण न करे, दैट इज हर प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीब हो या धनी हो। आप लोग जैसे कितना विनम्रता के साथ रोज 4:45 बजे आ जाते हैं। इस ग्रुप में तो 100-150 लोग है, लेकिन सभी क्यों नहीं आते? किसी किसी का अज्ञानता है, अहंकार है कि वो क्या बोलेंगे जगन्नाथ देव, मेरे पास उनसे ज्यादा ज्ञान है, इस कारण नहीं आते। और किसी किसी पास ये भी ज्ञान नहीं कि ये होता क्या है भागवतम क्लास, इससे क्या होगा, इतना भी ज्ञान नहीं है, इसके कारण अहंकार है। समझे जी प्रभु जी? और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन तो नहीं है प्रभु जी। तो ठीक है, तो वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा पश्य कृपा सिंधु वच कृपानं पावयो सरस्वती भुवनं पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय भागवत महापुराण की जय। जय कृष्ण भक्त बिंद की जय। गोविंद की जय। जय साईं और प्रमाण दे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।